क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है ना, ऑफ मास एम एंड चार्ज प्लस क्यू, मतलब जो बॉब है, बॉब का मास कितना प्लस है, एम है, और चार्ज कितना है, प्लस क्यू। क्यू, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जिस पॉइंट से वो हैंग किया हुआ है बॉब, तो बॉब का मास है एम और बॉब पे चार्ज प्लस क्यू भी है ना, कोई दिक्कत। नहीं। और जहां पे हैंग किया हुआ है, ये जो पॉइंट है जहां हैंग किया गया है, वहां पे भी एक पॉइंट चार्ज डाल दिया गया है, कितना, प्लस का। प्लस क्यू, ठीक है। तो पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा, ये तो पता है तुमको, कौन सा पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, बताओ, यहाँ पे टेंशन। है ना, ये होगा जहां पे वो ऐसा होगा, स्ट्रिंग हमारा वर्टिकल होगा, तो उसको बोला कि डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल पेंडुलम जो है, इट्स अ काइंड ऑफ एन एंगुलर एसेशन, पता है क्या ये चीज, सिंपल पेंडुलम जो है वो एंगुलर एसेशन है। एंगुलर एसेशन कहने का मतलब ये मीन पोजीशन के अबाउट ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का, ठीक है ना। तो हम इसमें हमारा जो रिलेशन आता है रीस्टोर, जैसे लीनियर एसएचएम में क्या आता है, लीनियर एसएचएम में आता था रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद था रिलेशन, याद है। वैसे ही यहाँ पे आता है, एफ क्या है, नेट फोर्स है, के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। वैसे ही एंगुलर एसएचएम में क्या रिलेशन आता है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, ठीक है। ये क्या है, टॉर्क है के, वहां पे कांस्टेंट है, टॉर्क वाला कांस्टेंट, और यहां पे क्या है, यहां पे थीटा इज एंगुलर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। माइनस साइन डिनोट करता है कि वो फोर्स कैसा है, टॉर्क कैसा है, रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग। हाँ मतलब अगर यहां से लेफ्ट से राइट अगर थीटा है, थीटा राइट में करोगे तो टॉर्क कैसा लग रहा होगा, क्योंकि टॉर्क इसको वापस से मीन पोजीशन की तरफ ऑपोजिट। आने की कोशिश करेगा, है ना, कोई दिक्कत, ओके। चलो तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, हम ये वाला रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे कौन सा रिलेशन, थीटा तो टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा। तो यहाँ पे देखना, हमारा ये जो बॉब, बॉब जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है, वो एक्सिस कौन सा है पता है, बोलो, ये है हमारा वो एक्सिस, दिस इज दी एक्सिस अबाउट विच द बॉब इज परफॉर्मिंग, ये एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, आई बात समझ, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 ऑसिलेशन होगा, समझे कि नहीं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। तो अब यहां पे जो फोर्सेस हैं इस बॉब पे, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जरा देख ले, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो एमजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लग रहा होगा, अलोंग इधर ऐसा लग रहा होगा, है ना, एफ मान लेते हैं इसको, चलेगा, और एक टेंशन लग रहा होगा। लाइन। अब ये जो बॉब है, ये है बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम, आई बात समझ, जिसमें कितनी फोर्सेस हो गई, तीन, तीन। इसमें से दो फोर्सेस का टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो हो जाएगा, ये एक्सिस है हमारा, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये बताओ, दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, किन दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, किनका,
two forces have zero torque. Which forces are those? Tension or F? आई बात समझ? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस किधर से पास कर रही हैं? एक्सिस से पास कर रही हैं। टेंशन को एक्सटेंड करके लेके जाओ तो देखो तो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है क्या? आई बात समझ? और ये जो फोर्स है इसको इसको भी बैकवर्ड खींचोगे, इसका भी लाइन ऑफ जो एक्शन है वो भी एक्सिस से पास कर रहा है। आई बात समझ? तो ये जो टेंशन है और ये एफ है, दीज आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, ठीक है? तो मतलब इसको जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में सिर्फ कौन रोल प्ले कर रहा है? एमजी। नॉर्मल जब सिंपल पेंडुलम होता था जिसमें ये नहीं होता था, उस समय भी तो एमजी ही प्रोवाइड करता था। आई बात समझ? तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए टाइम पीरियड? 2π/√L वही रहना चाहिए, है ना? आई बात समझ? टाइम पीरियड शैल नॉट चेंज, टाइम पीरियड वही रहेगा जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम में होता है, कितना? 2π/√L/g। आई बात समझ? हाँ। सिंपल है? हाँ।